वेलकम बैक। मियांवाली में पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तसादुम, 5 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुश्तिल कारकुनों ने थाने को भी आग लगा दी। नुमाइंदा समा अब्दुल हमीद लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हमीद बताएगा मियांवाली से क्या अपडेट्स आ रही हैं इस तसादुम के हवाले से। जी, मियांवाली कमर निशानी कारकुनान का कमर निशानी में शदीद एहतजाज जारी है और पुलिस और कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। मुश्किल अफराद ने जो है थाना कमर निशानी को आग लगा दी है। पुलिस ने मुजाहरीन पर दबक की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। तसादम के दौरान बच्चों समेत 10 अफराद के जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बीएचयू हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। कमर निशानी के मुकाम पर कारकुनान की जानब से पुलिस पर पथराव और शदीद जर्दें जारी हैं। कारकुनान की जानब से डंडों के बाहर से डीपीओ और मतीउल्ला खान समेत 5 पुलिस अहलकार शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें डीएचयू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आरपीओ शाह कमाल ने डीएचयू अस्पताल का विजिट किया और डीपीओ की इयादत की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप तफसील नागा कर रहे थे अब्दुल हमीद।